हेलो गाइस, मैं निमेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये मेरे डेस्क पर रखा हुआ है एम्ब्रेन वाइज इओन स्मार्ट वॉच, जो काफ़ी बेहतरीन स्मार्ट वॉच है। इसका प्राइस अभी फ्लिपकार्ट पे 2000 रुपीज़ शो कर रहा है, 1999, बट इसे मैंने परचेस किया सिर्फ और सिर्फ 1299 यानी कि 1300 रुपये में। जुलाई में सेल आया था तब मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, एंड अभी फ्लिपकार्ट में फिर से सेल आने वाला है 6 तारीख से, और अगर आप प्लस मेंबर हो तो 5 तारीख से ही शुरू होने वाला है यानी कि कल से। तो अगर आप प्लस मेंबर हो या फिर नहीं हो तो किसी से आईडी का जुगाड़ कर लेना, क्योंकि मुझे पता है इस स्मार्ट वॉच का प्राइस ड्रॉप जरूर करेगा और आपको ये 1500 के नीचे आराम से मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है। यह है एम्ब्रेन वाइज योन स्मार्ट वॉच, जिसके अंदर काफी अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं। लाइक इसके अंदर आपको 1.69 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, लूसिड डिस्प्ले, काफी ब्राइट है, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। इसके अंदर आपको रियल सेंसर्स मिलते हैं, लाइक आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, बीपी मॉनिटर एंड SPO2 मॉनिटर मिलता है। सारे के रीडिंग्स काफी एक्यूरेट है। आपको पेडोमीटर भी मिलता है। एक्सरसाइज के यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच आपका फिटनेस के लिए तो है ही, आप साथ ही साथ इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है, गूगल असिस्टेंट, या फिर आप सीरी से यूज़ कर सकते हो पेयर करके। फिर आपको स्टॉप वॉच, ब्रीद का यहाँ पे दिया गया है, अलार्म सेटिंग है, म्यूजिक प्लेयर की तरह इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीकर का आउटलेट दिया गया है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हो। और मैंने इसका अनबॉक्सिंग इन डेप्थ रिव्यू में आपका स्पीकर टेस्ट इसका करके दिखाया था आप लोगों को, जिसमें इसका स्पीकर काफी अच्छा खासा डिसेंट क्वालिटी का लाउड आउटपुट आपको दे पाता है। तो इसके अंदर काफी भर भर के फीचर्स है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, अगर आपने इसका एक भी वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आई कार्ड में लिंक आ रहा है। इसका मैंने वाटरप्रूफ टेस्ट भी करके दिखाया था एंड ये सर्वाइव कर चुका है। सो गाइज, इससे कनेक्ट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो चलो, इसको आप प्ले स्टोर ओपन कर लेना, और अगर ऐप स्टोर है तो उसे ओपन कर लेना। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा द फिट, DAFIT, द फिट आपने आप सर्च कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। और अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है ना, तो सिंपली करना क्या, इसके यहाँ पे आप सेटिंग्स में चले जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा अबाउट का ऑप्शन, इसके अंदर आपको QR कोड का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करके स्कैन करके आप इसी एप्लीकेशन पर पहुंच जाओगे। तो इसे स्कैन करके ही यहाँ पे आप आ सकते हो, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे सर्च करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। डाउनलोड हो चुका है, ओपन कर लेते हैं चलो। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। अपना प्रोफाइल सेट कर लेना, मेल फीमेल आप जो भी हो, अपना बर्थडे डाल देना, अपना हाइट डालना, वेट डालना, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फिटनेस रिलेटेड आपके डेटा मिल पाएंगे। आपको यहाँ पे टारगेट्स दिया जाएगा कि आपका वेट, अपना हाइट, आपके एज के हिसाब से आपको कितना स्टेप्स चलना है, कितना कैलोरीज बर्न करना है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। तो इस तरीके का इसका मेन्यू खुल जाएगा, बीच वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, यू हैव नॉट लिंक अ डिवाइस। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपने कोई भी डिवाइस लिंक नहीं किया है, तो ऐड अ डिवाइस के अंदर चलते हैं, अलाउ कर देना जितना भी परमिशन ये मांगेगा, ब्लूटूथ ऑन करने का, इसके नोटिफिकेशन एक्सेस का, सारे परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देने हैं। तो अलाउ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे वाइज इओन आ रहा है, इसे सेलेक्ट करते हैं चलो, एंड हमारा स्मार्ट वॉच यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है, चलो देखते हैं कनेक्ट होता है, कितने टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप इसे कनेक्ट करोगे, डिसकनेक्ट करोगे, तो बहुत ही क्विकली हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे पेयर होता है हर चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है, 56% बैटरी शो कर रहा है, एंड इसका मैंने आपको पहले दिन जो वीडियो दिया था ना, तब से फुल चार्ज करके मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक डेली यूज़ कर रहा हूँ, एंड सिर्फ 644% बैटरी अभी तक यूज़ हुआ है। काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ है इसका, कंपनी क्लेम करती है 10 डेज का बैटरी लाइफ है, बट मैं इसका इनडेप्थ रिव्यू लेकर के आऊँगा 7 डेज या 15 डेज वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसके अंदर बैटरी बैकअप मुझे देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो चुका है। देखो गाइस, यहाँ पे आप हमारा यहाँ पे आपको कनेक्शन का एक आइकन शो कर रहा है ऊपर में, ये है कनेक्ट हो चुका है हमारे डिवाइस से। तो अगर अब हम चाहेंगे कि अपने स्मार्ट वॉच से ब्लूटूथ से कॉल कर पाए, तो यहाँ पे आप इसे कॉल भी कर पाओगे। इस तरीके से आपको डायल पैड दिखाई देगा, रिसेंट कॉल में जाओगे तो आपने रिसेंट जिनसे बात की है वो आपको यहाँ पे शो होने वाला है, और डायल पैड में जाओगे तो आप किसी के भी यहाँ पे नंबर डायल करके यहाँ पे इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। लाइक मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ 1 to 1। ये रहा, ये आउटपुट इसके स्पीकर से आ रहा है। तो
इस तरीके से आप इसमें ब्लूटूथ कॉल कर पाओगे एंड सारे डेटाज यहाँ पे सिंक होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिंपली से कनेक्ट करना था। कनेक्ट करने के बाद आपको इसके यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉच फेसेस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे मैंने आपको बताया था कैसे आपको कस्टम वॉच फेस रखना है एडिट करके, वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन से यहाँ पे आप एक्सेस दे पाओगे फोन के मैसेजेस के, तो सब कुछ आप यहाँ पे अलाउ कर देना एंड यहाँ पे आपको ये वाला जो आएगा इसको आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन परमिशन दे देना है। तो ये मेरा दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पे एक बार ये फिर पूछेगा ये सिंकिंग विथ व्हाट्सएप ऑन अनदर डिवाइस, सब कुछ आपको यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है। ये रहा नोटिफिकेशन एक्सेस, इनेबल कर देना है तो ये सारे नोटिफिकेशन रीड कर पाएगा एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको बाद में आप यहाँ पे रीड कर पाओगे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे सेव यहाँ पे आपको शो करते हैं मैसेजेस के अंदर। तो इस तरीके से आपको सब कुछ यहाँ ऑन कर देना है। अलार्म्स आप यहाँ से लगा पाओगे, 3 अलार्म यहाँ पे आपको लगाने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको शटर का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप एज अ शटर बटन यूज़ कर सकते हो कैमरा से यूज़ करने के लिए। देखो इस तरीके से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाएगा, 3, 2, 1, ये रहा इस तरीके से। फिर आपको फेवरेट कॉन्टेक्ट्स का, अदर का अपग्रेड करने का, इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो इस तरीके से गाइस आप अपनी स्मार्टवॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो काफ़ी इजीली। अब क्या है ना, अगर आप अपने स्मार्टफोन पर इस तरीके से ब्लूटूथ बंद कर दोगे तो यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। और जैसे अगर आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो आपको बार बार ऐप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट ले लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हमारा कनेक्शन आइकन आ चुका है। तो अब ये आपको बार बार हैसल फ्री कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको इस स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। परचेस करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन स्मार्ट वॉच है, कल से सेल आ रहा है, लेना हो तो फटाफट से ले लेना, काफी सही प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।